हिट एंड रन के नए कानून को लेकर उत्तराखंड समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश में ड्राइवर यूनियन के हड़ताल पर जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने नए नियम कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का संशोधन जनहित के लिए है। देश में लगातार बढ़ रहे हिट एंड रन के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह संशोधन किया है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुई संशोधन के बाद हिट एंड रन मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ ऐसे अपराध है जिन पर सजाएं ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो भी हुआ है। जैसे ये हिट एंड रन का मामला है, जिसके कारण कल ट्रक की और उसकी हड़ताल हुई है। उन्होंने अपना विषय रखा है, अब सरकार उस पर विचार करेगी। आवश्यकता होगी तो संशोधन होते हैं, समाज के लिए होते हैं। उस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है कि वो किस पृष्ठभूमि में लाया गया, किस लिए लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है। जब इस सब पर विचार होगा तो उसके अनुसार सरकार निर्णय करेगी।